हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएम मोदी ने आज सबके सामने हमास पर ये क्या बोल दिया। वेरी गुड, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है, जैसे वो कर रहे हैं। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, प्रदेश सहमति से चलता है। हमारी पार्लियामेंट्स और ये P20 फोरम भी इस भावना को सशक्त कर सकती है। डिबेट और डेलिब्रेशन से इस दुनिया को बेहतर बनाने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। मुझे विश्वास है भारत में आपका प्रवास सुखद होगा। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समिट की सफलता और भारत में आपकी सुखद यात्रा की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे लग रहा है G20 का जो पार्लियामेंट का ये जो हुआ है इंडिया में, उसमें स्टार्टिंग में मोदी जी ने जो है स्टार्टिंग में अपनी स्पीच देके उसको शायद इनॉग्रेट या स्टार्ट किया होगा, और उस स्पीच में उन्होंने ये बात की है। और वो क्लियरली दिख रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि इंडिया जो है भारत को भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने इसराइल का भी बोल दिया है, और उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में एक सहमति होनी चाहिए
ये नहीं कि कोई टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हो, वो उन्होंने इनडायरेक्टली समझा दिया है कि उस वो सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए, और बिल्कुल उन्होंने क्लियरली बोल दिया टेररिज्म को तो बिल्कुल स्टॉप करना है, उसके लिए एक्शन जो लेने पड़े लेने चाहिए, ये उनका मतलब था। तो उन्होंने साफ बता दिया है समझदारों को, अगर उन जिनमें समझ है, कि हमारा सपोर्ट तो इसराइल के साथ है, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था हमारी ओल्ड पार्लियामेंट में। राइटर ने बताया कि टेररिज्म हमें प्रॉब्लम आ चुकी है, इसराइल ने भी कहा था कि क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम आती है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं इस चीज़ में, तो जो अगर कंट्री इंडिया कुछ बोल रही है तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद मोदी जी ने क्लियर किया कि आपको गवर्नमेंट में मेजॉरिटी चाहिए, आपकी अपनी गवर्नमेंट में मेजॉरिटी बहुत क्रिटिकल, जैसे वहाँ पर हुआ था इसराइल में, क्योंकि कभी कोई पीएम बनता था फिर 6 महीने बाद हट जाता था, फिर नया बनता था, फिर 5-6 राउंड हुए थे उनके इलेक्शंस के, फिर जाके कौन डिसाइड हुआ, 2 लोग आएंगे, फिर 2 लोग हट के अब एक हो गया, राइट। उसके बाद मिस्टर नेतन्याहू पे इतने एलिगेशन लगे करप्शन के, ये है वो है, 100 प्रॉब्लम्स हुई। जब ये सब हुआ एनिमी ने उसका फ़ायदा उठाया और वो सब कांड किया है। अब यहाँ पे मोदी जी ने ये भी कहा कि आपको कंसेंसस बनाना है, कंसेंसस जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एग्जांपल दिया, यूनाइटेड नेशंस में जो टेररिज्म के अगेंस्ट कोई ग्रुप होगा उसी का कंसेंसस भी बना, तो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में ही तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अगर टेररिज्म हो तो क्या करना है, तो तुम क्या करोगे। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं इनडायरेक्टली कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं और ज़्यादा कुछ होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में अगेंस्ट टेररिज्म। अब ये देखना पड़ेगा ये P20 क्या चीज है, जहाँ पार्लियामेंट के लोग आ रहे हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी को बुलाया उन्होंने, पता नहीं। मुझे तो ये लग रहा है, मैंने तो पहले सब कभी सुना नहीं था कि G20 में पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई मीटिंग इस टाइप से होती है, पर मैंने ये सुना अभी न्यूज में कि कैनेडा को भी आना था, पर उन्होंने पहले तो बोला कि हम आ रहे हैं, फिर अब मना कर दिया है, अब जब शुरू हो रही है आज नहीं आए हैं, और रीजनिंग भी कोई दी नहीं है, जबकि हम लोगों ने सोचा हुआ था कि जब ये आएंगे तो इनसे जो बातें हैं क्लियर करी जाएंगी, वो आए ही नहीं। उसका क्या हुआ पता नहीं चला, वो जो हम 41 बंदे इनके छोड़ के जा रहे हैं। ओ हाँ, उसका भी उसमें मैंने अभी वीडियो की है, अब देखना किस चैनल पे आएगी, उसमें वो बता रहे हैं कि कुछ लोगों को इन्होंने शायद मलेशिया अपने जो है भेज दिए, पर अभी भी कई जो हैं वो अभी भी इंडिया में ही बैठे हुए हैं, और उन बातचीत हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि इक्वल नंबर होने चाहिए, इंडिया तो टस से मस नहीं हो रहा, हमने कहा है कि भाई हटने, तो वो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है कि लेके जाओ इनको बाहर, पर अभी तक वो लेके नहीं गए, बस थोड़े से को मलेशिया भेज दिया है। बड़ी अजीब बात है वैसे। नहीं, इन्फोर्स करना पड़ेगा लॉ की, हम आके अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो खत्म हो गई है। इसका मतलब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, मान लो कोई डिप्लोमेट चला रहा है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी वहाँ पे किसी बंदे की जान चली जाती है, पुलिस आके डिप्लोमेट को नहीं पकड़ सकती। वो जो भी कोर्ट केस होगा बाद में करते रहो, मगर उसको कोई पकड़ नहीं सकता, वो वहीं से अपने देश चले जाएगा, फिर आप बाद में कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो अपने देश से आ सकता है, ये सब, मगर उस वक्त आप उसे पकड़ के कोई जेल पेल नहीं कर सकते। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अगर खत्म हो जाए तो वो पकड़ा जाएगा, तो अगर कुछ किया वो साधारण नागरिक है, वो पकड़ के हमारे जेल में जाएगा, जबकि वो वहाँ का आदमी है। तो हटा देनी चाहिए, पता नहीं हटाई है कि नहीं गई, तो वो क्लियर बताया नहीं, पर हटा देनी चाहिए। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनको इमीडिएटली जो एक्सपायरी डेट हो गई उसके उसके बाद बोल दीजिए हमने हटा ली है, और अब आप जो है हमारे लॉ के हिसाब से काम चलेंगे, अपने रिस्क पे रहो, अब तुम इलीगली हमारी कंट्री में हो। उनका ऐसा भी कर लेना चाहिए कि तुम पासवर्ड वगैरह ले लिया, इलीगली तुम हो, और अगर तुम दिखे तो तुम्हें पकड़ लेंगे। एग्जैक्टली करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कि किससे तुमने पंगा लिया है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।